हेलो गाइस, टेकी अवे के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो के अपकमिंग फोल्डेबल फोन के बारे में। गाइस, कल ओप्पो चाइना में फाइंड एन नाम से एक फोल्डेबल फोन लॉन्च करने वाली है, जो कि ओप्पो का पहला फोल्डेबल फोन होगा और बाकी सारे फोल्डेबल फोन लाइक जी फोल्ड 2, जी फोल्ड 3 या फिर मेट एक्स 2 से थोड़ा सा अलग होगा। स्पेक्स वाइज ये थोड़ा बहुत जी फोल्ड 3 से मिलता जुलता रहेगा, बट ये जो फोन होगा एक कॉम्पैक्ट फोन होगा। आप ऐसा भी कह सकते हो ये एक फोल्डेबल कॉम्पैक्ट फोन होगा। गाइस, फोन के वाइबो से ऑलमोस्ट सारे के सारे स्पेसिफिकेशन सामने निकल के आ चुके हैं। इसके साथ ही फोन के कई सारे रेंडर्स और लाइव इमेज भी बाहर आए हैं और 2-3 दिनों पहले ही इस फोन की प्राइस भी सामने निकल के आई है। तो इस वीडियो में हम इस फोन में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलने वाले हैं, क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलेगा, किस प्राइस पे इसे चाइना में लॉन्च किया जा रहा है, इंडिया में लॉन्च होगा या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आती है डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, इस तरह का कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिजाइन एंड डिस्प्ले के बारे में। तो इसके अभी तक कई सारे रेंडर्स हमारे सामने निकल के आ चुके हैं, आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ, देख सकते हैं। डिजाइन और लुक्स वाइज ये फोन कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। बाकी सारे फोल्डेबल फोन से यहाँ पे डिजाइन चेंज देखने को मिलेगा और जहां तक मुझे पता है ये 3 कलर में लॉन्च किया जाएगा। ग्लास बैक के साथ आएगा, जिसके ऊपर मैट फिनिश देखने को मिलेगा। टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल कैमरा सेटअप होगा, जिसमें कि ट्रिपल कैमरा सेटअप, एक एलईडी फ्लैश लाइट होगी। फ्रेम मेटल का होगा और फ्रंट की तरफ ग्लास देखने को मिलेगा, जहां पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 या फिर विक्टर्स का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल सकता है। पंचोल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, सेंटर में पंचोल का कटआउट होगा। बेजल्स और चिन यहाँ पे ना के बराबर देखने को मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिलेगी। गाइज, लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है यहाँ पे 6.2 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि FHD प्लस रेजोल्यूशन का होगा। 8.4:9 एस्पेक्ट रेशियो में डिस्प्ले मिलेगा। नॉर्मल 60Hz का रिफ्रेश रेट होगा, कोई भी फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं होगा। DCI-P3 कलर गैमिट को सपोर्ट करेगा और HDR10+ भी सर्टिफाइड होगा। तो यह एक्सटर्नल डिस्प्ले है। अगर आप इस फोन से गेमिंग करते हो, कंटेंट कंज्यूमिंग करते हो, तो कॉम्पैक्ट फोन है, स्क्रीन साइज छोटा होने की वजह से यहाँ पे आपको उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर इसके इंटरनल डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पे 7.1 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा। 2K डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 120Hz का अडेप्टेड फास्ट रिफ्रेश रेट भी मिलेगा, जिसका रेंज 0-120Hz का होगा। 800 nits का ब्राइटनेस भी मिलेगा। DCI-P3 कलर गैमिट को भी सपोर्ट करेगा और HDR10+ भी सर्टिफाइड होगा। तो जब भी आप इस फोन से गेमिंग करोगे या फिर कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे, तो AMOLED स्क्रीन होने की वजह से कॉन्ट्रास्ट अच्छे मिलेंगे, कलर्स काफी अच्छे होंगे। HDR10+ का सर्टिफिकेशन दिया गया है, तो कलर्स को ये और ज्यादा इनहेंस कर देगा, पंची बना देगा, तो कंटेंट कंज्यूमिंग करने में भी काफी मजा आएगा और ग्राफिक्स एक्यूरेटेड होंगी। 120Hz रिफ्रेश रेट होने की वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी स्मूथ रहेगा। तो स्पेक्स वाइज इसके इंटरनल डिस्प्ले से मुझे नहीं लगता आप थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट होंगे, एक्सटर्नल से थोड़ा बहुत हो सकते हैं और यहाँ पे डिजाइन भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। कैमरे के बारे में बात करें तो इसके रियर साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे। लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है यहाँ पे 50+16+13 का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी सेंसर यहाँ पे 50 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक वाइड एंगल सेंसर होंगे और ये सोनी का IMX766 का सेंसर होगा। शायद यहाँ पे OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करने में ये काफी मदद करता है। दूसरा सेंसर यहाँ पे 16 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होंगे। और तीसरा सेंसर यहाँ पे 13 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे, जो कि एक टेलीफोटो लेंस होंगे, पेरिस्कोप फीचर्स के साथ आएगा, जूमिंग वूमिंग करने में ये काफ़ी मदद करेगा। और फ्रंट की तरफ यहाँ पे लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है 32 मेगापिक्सल का सेंसर होगा और पॉसिबली ये सोनी का न्यू सेंसर IMX709 हो। गाइस, एक चीज़ और, इसके इंटरनल डिस्प्ले में भी टॉप लेफ्ट में पंचोल का कटआउट दिया गया है, वहाँ पे कौन सा सेंसर देखने को मिलेगा इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी निकल के नहीं आई है। मतलब टोटल इस फोन में 5 कैमरा देखने को मिलेंगे, तो कैमरा सेटअप इस फोन का काफ़ी अच्छा रहने वाला है और पॉसिबली कैमरा भी काफ़ी अच्छा होगा। HDR, पैनोरमा, नाइट मोड, इन सब चीज़ों का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम इस फोन के रियर कैमरे में 30 और 60 FPS दोनों भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अब गाइस, अगर बात करते हैं इस फोन के मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहां पे 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि एक डिसेंट बैटरी है। इसके साथ ही लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है यहां पे 33W की वायर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। पहले लीक्स ऐसे निकल के आ रहे थे कि यहाँ पे 65W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, बट अभी के लीक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही 15W की वायरलेस फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे टाइप सी पोर्ट, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, डुअल स्टीरियो स्पीकर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे सेकेंडरी माइक्रोफोन भी देखने को मिलेगा। और सेंसर के बारे में बात करें तो सभी के सभी सेंसर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है 8GB 256GB एंड 12GB 512GB के सिर्फ 2 वेरिएंट में लॉन्च किए जाएंगे। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 11 के ही ऊपर आएगा, बट कलर OS
12 के ऊपर रन करेगा। चलिए गाइस जब बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, तो गीगबेंच के अकॉर्डिंग यहां पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि क्वालकॉम का फ्लैगशिप चिपसेट है, काफी पावरफुल चिपसेट है। 2.84 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे चिपसेट रन करता है और 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे चिपसेट बना है, तो एनर्जी एफिशिएंसी, बैटरी एफिशिएंसी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। अगर इसके गेमिंग ग्राफिक्स से रिलेटेड परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे एड्रेनो 660 जीपीयू का इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के देगा, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलेगा, सभी तरह के गेमिंग अच्छे से हैंडल कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइज यहाँ पे LPDDR5 रैम UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप भी देखने को मिलेगा, तो रीड एंड राइट स्पीड भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो गाइज कुछ ऐसे स्पेक्स के साथ ओप्पो कल अपना पहला फोल्डेबल फोन चाइना में लॉन्च कर सकती है। बात करते हैं दोस्तों इस फोन के प्राइस के बारे में, तो प्राइस भी लीक हुई है। कहा जा रहा है इसका जो बेस वेरिएंट है 8GB 256GB, उसकी प्राइस चाइना में 12,999 युआन रखी जा सकती है, जिसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 1,54,000 रुपीज होती है। और सेकंड वेरिएंट के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस 13,999 युआन रखी जा सकती है, जिसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 1,66,000 होती है। तो अगर ये फोन इसी प्राइस पे चाइना में लॉन्च किया जाता है, अगर लॉन्च होता है, तो प्राइस मेरे हिसाब से काफी अधिक हो जाएगी। मुझे पता है कि ये ओप्पो का फोन है, ओप्पो के फोन की प्राइस ज्यादातर ओवर ही रहती है, बट ये काफी अधिक, मेरा गैस है कि इसे कम प्राइस पे लॉन्च किया जाएगा। अगर फोन में ऐसे स्पेक्स देखने को मिलते हैं तो अराउंड 15,000 to 20,000 तक इसकी प्राइस कम रखी जाएगी। वैसे भी कल ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हो ही रहा है, तो सब कुछ पता चल जाएगा। अब अगर इस फोन के इंडिया लॉन्चिंग के बारे में बात करें, तो अभी तक इस फोन के इंडिया लॉन्चिंग को लेकर कोई भी जानकारी निकल के नहीं आई है, ना ही इसका इंडियन वेरिएंट किसी भी सर्टिफिकेशन साइट को क्लियर किया है। तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा या फिर नहीं। पहले चाइना में लॉन्च होने दीजिए, लॉन्च होने के बाद अगर इस फोन के इंडिया लॉन्चिंग को लेकर कोई भी अपडेट आते हैं तो डेडिकेटेड वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगे वीडियो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए डिसलाइक भी कर सकते हैं, और हाँ इस तरह का कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।